हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि IBPS कलर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसको आप फॉलो करके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन IBPS कलर एग्जाम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो ब्राउजर ओपन कर लीजिए आप। यहाँ पर हम लोग चलते हैं google.com पर। यहाँ पर लिखिए IBPS, टाइप कीजिए IBPS। ये देखिए IBPS का वेबसाइट है, इसको ओपन करना है आपको। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया है वेबसाइट। देखिए यहाँ ओपन हो गया है वेबसाइट, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कलर में करना है तो हम लोग यहाँ देखिए CWE कलर कीयर, इसको क्लिक करेंगे CWE कलर कीयर को। यहाँ पर 2013 के लिए है ना भरना है, तो 2013 को क्लिक करेंगे। ये एग्जाम जो है पहले हो चुका है, तो क्लर्कियल जो एग्जाम है ये आपका 2013 के लिए, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन क्लर्कियल कैडर एंड पार्टिसिपेटिंग। तो यहाँ पर उसका जो है ना एडवर्टाइजमेंट है, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि उसका कैसे कैसे क्या जानकारी है, उसका बारे में कैसे कैसे कौन एलिजिबल है, ठीक है ना, तो वो सब की जानकारी आप ले सकते हैं एग्जाम के बारे में। इसको क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड होगा आपका PDF फाइल। मैंने क्लिक कर दिया, देखिए ये डाउनलोड हो गया, हो रहा है ना, ये आपका फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखिए इसका जो है एडवर्टाइजमेंट जो है आपका आ गया है। देखिए यहाँ पर क्लर्कियल एग्जाम के लिए एडवर्टाइजमेंट है, इसको आप पूरा डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल्स वगैरह ले लीजिए इच्छित तरह से। ठीक है, और ये डिटेल्स देने के बाद अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये है, तो यहाँ देखिए क्लिक हियर करते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन बटन है ना, उसको देख लीजिए। इसको करने से पहले जो है ना अपना ये सब आप हाउ टू अप्लाई, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, गाइडलाइंस वगैरह जो है आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको फिर बीच में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सब जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो अभी रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करना है हम लोगों को, मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है, क्लिक हो गया। फिर क्लिक करने के बाद देखिए ये दूसरा पेज खुला हुआ है, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू बटन है, इसको क्लिक करते हैं हम लोग। कंटिन्यू कर दिया। ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है, यहाँ पर सब फॉर्म को अच्छे से भर दीजिए। ऑनलाइन फॉर्म है, इसको अच्छे से भर दीजिए आप, तो जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे भरते जाइए। तो देखिए मैं यहाँ भर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा फॉर्म आपको भर देना है अच्छी तरह से, जो भी डिटेल्स वगैरह है मांग रहा है ये सब आपको पूरा अच्छी तरह से भरना है। तो देखिए मैं भर रहा हूँ। ठीक है,
आपको सही सही पूरा भरना है अच्छे तरह से, कोई तरह का गलती नहीं होना चाहिए। कोई तरह का गलती नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही सही आपको भरना है यहाँ पर। यहाँ पर आपको सब कुछ सही सही आपको भरना है। यहाँ पर जो है जो है जेंडर देना है, मेल जो भी है आप, और सब कुछ देखिए अच्छे से। यहाँ पर फादर नेम दे दीजिए, ये पूरा फॉर्म आपको भरना है, ठीक है ना। अच्छे तरह से देख देख के भरिए इसको पूरा ऑनलाइन आपको। हेलो, देखिए आपको ये मेरा पूरा फॉर्म जो है ना भर चुका हूँ मैं, देख लीजिए, ठीक है ना। मैं पूरा फॉर्म ये भरा गया है मेरा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोटोग्राफ आपको डालना है, ठीक है ना। तो फोटोग्राफ के लिए आपके कंप्यूटर में अगर फोटोग्राफ तो वो डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कंप्यूटर पर जो है ना फोटोग्राफ डालना चाहिए, तभी आप फोटोग्राफ डाल पाइएगा। तो देखिए मैं फोटोग्राफ डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको फोटो डालना है सबसे पहले। उसका साइज भी जो है ना, फोटो का साइज यहाँ देखिए 20 से 50 होना चाहिए। सिग्नेचर है उसका भी जो 10 से 20 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग खोल रहे हैं वैसा फोटो, तो यहाँ 20 से 50 होना चाहिए फोटो का। ये फोटो है, ठीक डाल दिया मैंने। और यहाँ सिग्नेचर 10 से 20 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ सिग्नेचर भी मिल गया, ठीक है डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट इन ऑनलाइन यूजिंग ओनली मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग और कैश सीवीएस थ्रू वन ऑफ द 7 डेजिग्नेटेड पीसी। तो हमको ऑनलाइन करना है यहाँ पर ना, हमें तो यहाँ पर ऑनलाइन करना है। तो हम यहाँ ऑनलाइन पेमेंट को चूज कर लेते हैं। 600 रुपीज़ है, 600 रुपया ये आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी कोड है, देख लीजिए ये बॉक्स में आपको जो दिखाई दे रहा है वही सेम चीज़ आपको यहाँ टाइप कर देना है, कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद यहाँ टाइप कर दिया, और यहाँ देखिए रीचेक है, इसको क्लिक करके चेक कर लीजिए कि सब फॉर्म सही सही सबमिट हुआ है कि नहीं, मतलब कि भरा गया है कि नहीं। तो रीचेक बटन को पहले क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए चेक किया, इनकोरेक्ट सिक्योरिटी कोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी कोड को सही सही डाल देते हैं हम लोग, 6Q6H6M, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रिजेक्शन विली क्लिक सबमिट टू प्रोसीड। तो यहाँ पर जो है सबमिट को क्लिक करेंगे तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए सबमिट को मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए क्लिक किया, ओके। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू श्योर, यहाँ ओके बटन को क्लिक कर दीजिए सबसे पहले। इसके बाद जो है आपको देखिए पेमेंट देना है, तो आप क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हैं। 600 रुपया देना है, 600। तो यहाँ मैं इंटरनेट बैंकिंग वाला सुविधा चुन रहा हूँ, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो देख लीजिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है, देखिए खोजिए, यहाँ पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ क्लिक कर लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिस बैंक का आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग हो वही बैंक आपको चूज करना है यहाँ पर। चूज करने के बाद जो है यहाँ सबमिट को क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ डायरेक्ट आप जो है ना अपने इंटरनेट बैंकिंग वाले पहुँच जाइएगा। तो यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड देना है, ठीक है ना। उसके बाद लॉगिन करना है अपने इंटरनेट बैंकिंग पर, यहाँ देके आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना लॉगिन करने के बाद जो है दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना।
तो मैं यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालने वाला हूँ अभी। सिक्योरिटी रीजन से मैं अपना आईडी पासवर्ड आपको दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करने के बाद का जो है ना स्क्रीन वो आपको दिखा पाऊंगा। और देखिए इंटरनेट बैंकिंग में मैंने अपना जो है ना अपना कर लिया है ये लॉगिन। अब यहाँ पर जो है आपको पेमेंट देना है 600 रुपये का, यहाँ पेमेंट आपको देना है जिसका आपका जो है, तो अपना अकाउंट चूज करने के बाद जो है आप वहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ से अपना पेमेंट यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ कंफर्म बटन है, इसको क्लिक करना है आपको पेमेंट करने के लिए। मैंने देखिए यहाँ क्लिक किया, यह कंफर्मेशन मांग रहा है, ठीक है ना। 611 रुपया कुछ और भी, 11 रुपया का कुछ और भी चार्ज ये काट रहा है शायद, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर कंफर्म को हम लोग क्लिक कर रहे हैं। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना कोड मांगेगा। तो ये इंटरनेट बैंकिंग का सिक्योरिटी है, आपके मोबाइल पे कोड आएगा, वो कोड इंटर कीजिएगा, उसके बाद ही आपका ये पैसा ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पर कोड को इंटर कर रहा हूँ, ये देखिए सक्सेसफुली ये पूरा पेमेंट हो गया, ठीक है ना। मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ओके। यहाँ देखिए आपका योर एप्लीकेशन इज सेव सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ से अपना जो है पीडीएफ को सेव करके अपने कंप्यूटर में रख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए इसको। है ना, इसको जो है आप डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास, अपने फाइल्स में जो है इसको आप जो है ना रख लीजिए, ताकि ये बना रहे आपके पास। नाम से सही सही नाम से, सेव कर लीजिए। इसके साथ ही जो है आपका यहाँ पर सेव इनवॉइस, ठीक है ना, ये भी सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए इसको, ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। ये इनवॉइस भी कभी भी आपको जरूरत पड़ सकता है, जो आपने पेमेंट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है ना, उसका है। तो इसको भी जो है आप एक कॉपी इसका सेव कर लीजिए यहीं पर, इनवॉइस, ठीक है ना, इसको सेव कर लीजिए। और उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिए, आपका ये पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया। और इसमें जो है आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप चाहें तो अपना फिर दोबारा भी एप्लीकेशन जो है ना यहाँ चेक कर सकते हैं, और यहाँ जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करके आप इसको जो है ना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जो है ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे दिया, कैसे कैसे आपको जो है ना करना है। तो ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है इसके बारे में, और आप उसको फॉलो करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।